ने बहुत ही अहम इशू पे मौका दिया है। मेरा ख्याल है कि हमारे एक दोस्त ने लिखा है डॉक्टर आसिम सजाद ने इस इशू के ऊपर कि हज़ारा जो है वो दे आर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड लाइक बलोच पख्तून सिंध जीबी, तो ये बेचारे जो है ये कोई पहली बात नहीं है कि ये इनके साथ हुआ है। ये गुज़श्ता जैसा आपने ख़ुद का दो दहाइयों से इनके साथ ये सिलसिला शुरू हुआ जब से इस रीजन में एक साम्राज्य प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है, और जैसे जैसे सरमायदाराना जो जबर है इसके साथ बढ़ती जा रही है, लोग जो है इस किस्म के इनह्यूमन कंडीशन में काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा आपने कहा और मीडिया के अंदर भी आ गई कि उसमें से बहुत सारे नौजवान अपने पूरी फैमिली के वाहिद रोज़गार के ज़रिया, और वो पढ़े लिखे लोग थे, नौजवान थे, इस उम्र में वो यानी कानकनी का मतलब ये है कि सैकड़ों फीट नीचे बग़ैर यानी ऑक्सीजन के बग़ैर किसी यानी ताज़ा यानी सिक्योरिटी के वो काम करने पर मजबूर हैं। और एक तरफ तो यानी सरमायदारों ने जबर के शिकार हैं, 2018 में भी यानी हुआ था, 2013 में भी इसी तरह के सिलसिले हुए थे, कभी 100 के तादाद में मारे जाते हैं, कभी 50 के तादाद में, कभी इसी तरह जो है उनका निशाना बनाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे हर दफ़ा जो है, मसलन 2018 में भी आर्मी चीफ गया था, उनको वादे किए थे कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, हम जो है मुजरिमों को पकड़ेंगे और उनको जो है सज़ा देंगे, लेकिन फिर आपके सामने है, फिर ये 2021 में हुआ और अभी भी इमरान ख़ान जो है बहुत ही यानी अफसोसनाक पहलू ये है कि एक तो 6 दिन लगाए उनको वहाँ जाने में, ये दंदनाते हुए जहाँ पे चाहते हैं जिस वक्त चाहते हैं उस वक्त हमला करते हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के ऊपर, चाहे वो शिया कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो। अभी रिसेंटली जो कड़क में हुआ था, यानी एक हिंदू एक तारीखी मंदिर था वो कि पूरा यानी हमारा वर्षा है, हेरिटेज का हिस्सा रहा, उसको यानी जला दिया। तो ये असल में ये स्लीपर सेल्स बिल्कुल अपनी जगह है, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना किसकी ज़िम्मेदारी है? वो सिक्योरिटी फोर्सेस और ये एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है ना। रियासत के नैरेटिव है ना, वो जब तक नहीं बदलेगा ये इस किस्म के जो कैंसर है, ये इसको मैं कैंसर कहूँगा, ये जो सेक्टेरियन जो एक वो है कॉन्फ्लिक्ट है या एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये चीज़ें उस वक्त हल होंगी ना जब रियासत का जो बयानिया है वो चेंज होगा। और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखे, इंडिया में देखे, पाकिस्तान में देखे, तो जो सरमायदारान निज़ाम है वो मुख्तलिफ मुल्कों में खितों में उनके वसाइल बांदीनियात हो या पानी के वसाइल हो, जंगलात हो, उन पर कब्ज़ा करने के लिए वहाँ पर जब रेजिस्टेंस होती है लोगों की तरफ से, तो वो फिर लोगों को तकसीम करते हैं, कभी मज़हब के नाम पर, कभी ज़बानों के नाम पर। अब इंडिया के अंदर भी आप देखिए, ये नागालैंड है या मिज़ोरम वगैरह है, आसाम है, ये जो कबायली रीजन्स हैं वहाँ पे दुनिया के यानी मदीनियात है उस पे कब्ज़ा करने के लिए वहाँ पे वो लड़ रहे हैं 10-15 रियासतों में। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान के मदीनियात हों, पानी के वसाइल हों या खूबसूरत वादियाँ हों, अब इनको कभी टूरिज़म डेवलपमेंट के नाम पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे जो है कंजर्वेशन के नाम पे पार्क्स बनाने की बात हो रही है, कहीं पे जो है बिजली पैदा करने के नाम पर पानी के वसाइल पे कब्ज़ा किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, और उस आड़ में जो है फिर वो FC को और ये फोर्सेस को जो है डिप्लॉय किया जाता था कि उनके कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है एक कानूनी जवाब फराहम हो। तो मेरा ख्याल है कि ये ख़तरनाक सिलसिला है और इससे जो है कोई रियासत के लिए भी बेहतर नहीं है और आम वर्किंग क्लास के लिए बेहतर नहीं है। अब मसलन आप देखिए, ये कानकुनी का जो मसला है बलूचिस्तान में जो है, जहाँ पर ये कानकुनी की जा रही है, वहाँ पे 3 लाख कानकुन काम करते हैं। अब उनमें से हार्डली 6,000 जो है कानकुन जो है वो उनको सोशल सिक्योरिटी का तहफ़ हासिल है। अब सरमायदारी के जो बेरहम यानी मुनाफाखोरी जो है वो आप देखें कि कागज़ों में तो दिखाया जाता है, मुख्तलिफ पपेट ट्रेड यूनियंस भी उनके बनाए जाते हैं, फिर उनको आपस में लड़ाया भी जाता है,
कभी शिया सुनी के नाम पर, कभी एथनिक के नहीं हज़ारा और पश्तून के नाम पर। अब इस कानकुनी में सबसे ज़्यादा स्वात, बुनेर, इस तरह के दूर दराज के जो गुरबत ज़्यादा लोग हैं, या अफ़गानिस्तान के जो गुरबत ज़्यादा लोग हैं, वो कोई यानी अगर उनको दरवाजे नहीं मिलता है जॉब्स के, कोई ज़िंदगी के, रोज़गार के, तो वो इस तरह के इनह्यूमन कंडीशन में आके काम करने पर मजबूर होते हैं, और उनकी इस मजबूरी से फ़ायदा उठा के जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है, उनको कोई हस्पताल, कोई तिबी सहूलतें वहाँ नहीं होती है। तो ये इसके पीछे यही सरमायादारी का जो एक खौफनाक प्रॉफिट अर्निंग के जो मोटिव है वो शामिल है। अब इसी तरह आप ये खुशाब में हैं, इसी तरह आप ये कलर सैदा में आप देखें, यहाँ पर भी कानकुनी के चीज़ें हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। इसी तरह आपको याद होगा पिछले साल इधर बुनेर में जो है एक ये रूबी इसके माइंस जो है वो बैठ गया था, जिसमें काफ़ी कानकुनी जो है मर गए थे। तो ये जो पेरिफेरीज़ में गुरबत ज़्यादा जो कम्यूनिटीज़ होते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं, गरीब होते, वो इस तरह के इनह्यूमन कंडीशन में काम करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन उनको तहफ़ देना जो है रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उनके जॉब सिक्योरिटी हो, उनके सेहत के मामला ठीक हो, उनको जो है सोशल सिक्योरिटी के जो है वो चीज़ें मिलें। तो लेकिन वो कागज़ों पे तो दिखाई जाती है, लेकिन इनफैक्ट ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। तो ये जो इसमें एक मिसकंसेप्शन जो मीडिया के अंदर फैलाया गया कि ये अफ़गानिस्तान से आए थे, लेकिन अफ़गानिस्तान से भी वो मजबूर, वो गुरबत ज़्यादा लोग होंगे, ये ज़्यादातर वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के दौर से ये हज़ारा जो है इन कानकुनों में काम करते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये वो यानी प्री पार्टीशन दौर से काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जो गुज़श्ता दो दहाइयों में इनकी तादाद बहुत कम हो गई, जब ये जो सेक्टेरियन और ये प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला शुरू हुआ इधर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ये अब बेचारे जो है बाज़ औक़ात तो कहते हैं कि महीनों तक वो कान से बाहर नहीं आते, इस खौफ से नहीं आते कि दूसरे लोग उनको पहचानेंगे और मारेंगे, जो दूसरे सेक्ट के लोग हैं या दूसरे एथनिक के माइनॉरिटीज़, उनको आपस में इसी तरह लड़ाया जाता है इस एक्सप्लॉयटेशन के नतीजे में। तो वो कभी कभार बाहर आके ताज़ा सांस, हवा में सांस लेते हैं, तो उसमें भी इसी तरह जो है वो उनको मारा जाता है। अब उसमें वहाँ पर हैवी प्रेजेंस है एफसी का। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कुछ इस वाक़े से कुछ दिन पहले जो QRF जो है, क्विक रिस्पांस फोर्स, जो उनको क्यों हटाया गया था वहाँ से, ये एक बुनियादी सवाल है ना। इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका गफलत है, उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जैसा आपने कहा, उन्होंने काजी फैज़ साद साहब ने इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस और बहुत सारे मामलों की निशानदेही की थी अपने रिपोर्ट में, उस पर अमल होने के बजाय उसी के ख़िलाफ़ ही उन्होंने यानी रेफरेंसेस दाखिल किए, और उन्हीं को जो है वो ज़हनी तौर पर उसके फैमिली को तंग किया जा रहा है। सरासर ज़्यादती जो है कमज़ोरी जो है गफलत जो है मुजरमाना गफलत या रियासी इदारों की है। जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो आवाम इसी तरह उठ खड़े होंगे, वो सड़कों पे निकल आएंगे, और इस तरह के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो है एक जब तक मूवमेंट पूरे मुल्क भर में जनरेट नहीं होगी, तो ये इसी तरह करते रहेंगे और इसी तरह के वाक़ियात होते रहेंगे। दूसरी तरफ ये कि वो प्रेशर डालें, ऐसे कवानीन बनाए जाए और इस तरह के जो सरकारी एहलकार वहाँ मौजूद हों, लेबर ऑफिसर्स और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो ईमानदारी से इन मेहनतकशों के हालत को जो है बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कानकुन मालिकान जो है, कान के मालिकान या सरमायदारों से पैसे लेके वो इनके ज़िंदगी को दाव पे लगाएं। तो ये दोनों तरफ से यानी पब्लिक प्रेशर के ज़रिए से ही हो सकता है, और क़ानून को जो है सही तरह से इन्फोर्स करें तो तब इनकी हालत बेहतर हो सकती है और इस तरह के वाक़ियात नहीं हो सकती।